नमस्कार दोस्तों, भारत में आज कई सारे सिटीज हैं जो काफी तेजी से अर्बनाइजेशन हो रहा है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। उन्हीं में से एक है झारखंड का कैपिटल सिटी रांची। रांची आज तेजी से डेवलप हो रहा है, जहां स्टेट गवर्नमेंट तो डेवलप कर ही रही है, भारत सरकार भी एक से एक बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। अभी रिसेंटली हमने देखा G20 जैसे बड़े बड़े इवेंट को होस्ट कर रहा है, जहां विश्व के अलग अलग कंट्री के डेलीगेट्स इन्वेस्टमेंट प्रपोजल लेकर आइए आइए देखते हैं कुछ बड़े और शानदार प्रोजेक्ट जो रांची की दशा और दुर्दशा दोनों को ही बेहतरीन करेगी। वीडियो को पूरा जरूर देखना, अच्छा लगे तो लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। रांची की पहली बड़ी प्रोजेक्ट है झारखंड न्यू हाई कोर्ट प्रोजेक्ट। जैसा कि गाइस आप देख पा रहे हो, यह झारखंड का नया हाई कोर्ट कॉम्प्लेक्स है और लगभग आपको दिख रहा होगा कि पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया, बट अभी फिलहाल फिनिशिंग टच देना बाकी है। साथ ही साथ आसपास में जो रोड कंस्ट्रक्शन होने हैं, ब्यूटिफिकेशन होना है, उन सभी में अभी काम बचा हुआ है। उम्मीद है कि मार्च तक यह बनकर ओपन हो जाएगा। आप जो ये पूरा साइट देख पा रहे हैं, यह पूरा साइट तकरीबन 162 एकड़ का फैला होगा, जो कि रांची के धुरवा में GSA यानी कि क्रिकेट स्टेडियम और नया विधानसभा के पास ही बनाया जा रहा है। इस कोर्ट कॉम्प्लेक्स में 20 कोर्ट बिल्डिंग होगी। ऑनरेबल जजेस और जुडिशियल ऑफिसर्स के भी यहाँ पे रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बनाए जाएंगे। अभी फेज 1 का काम पूरा हो गया, उम्मीद करते हैं कि अगले 1 से 2 साल में फेज 2 काल में बनकर तैयार हो जाएगी। बट फिलहाल बता दूं कि 150 कोर्ट की लागत से इस पूरे कॉम्प्लेक्स को बनाया गया है, जो कि मार्च 2023 में बनकर ओपन होगा। रांची की दूसरी बड़ी प्रोजेक्ट है अमिटी यूनिवर्सिटी न्यू कैंपस प्रोजेक्ट। जैसा कि सभी को पता होगा कि अमिटी ग्रुप द्वारा 2016 में झारखंड की राजधानी रांची में टेम्पररी कैंपस के रूप में रेडिसन ब्लू होटल बिग बाजार से थोड़ा सा आगे रेलवे ओवर ब्रिज के पास इस अमिटी यूनिवर्सिटी को एस्टेब्लिश किया गया था। बट अब इस टेम्पररी कैंपस को परमानेंट करने के लिए धुरवा में नया विधानसभा के आसपास एक शानदार कैंपस को बना रही, जिसका फाउंडेशन वर्क आज लगभग कम्प्लीट हो गया। बताया जाता है कि 2025 तक यूनिवर्सिटी पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगी, जहां पर आज काफी तेजी से काम हो रहा है। पूरा साइट तकरीबन 100 एकड़ एरिया में फैला है, जिसके अंतर्गत प्लेग्राउंड, स्टाफ फ्लैट, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, एकेडमिक ब्लॉक, ऑडिटोरियम, लाइब्रेरी जैसे कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेगी। उम्मीद करते हैं अमिटी ग्रुप द्वारा जो बनाया जा रहा है अमिटी यूनिवर्सिटी, वो जल्द से जल्द बनकर तैयार हो। रांची की अगली बड़ी प्रोजेक्ट है सीरम टोली ब्रिज प्रोजेक्ट। 4-लेन फ्लाई ओवर के रूप में प्लान किया गया सीरम टोली ब्रिज 2.34 किलोमीटर लंबी फ्लाई ओवर होगी, जो कि सीरम टोली चौक को राजेंद्र चौक और मेकॉन चौराहा को कनेक्ट करेगा। प्रोजेक्ट झारखंड गवर्नमेंट की महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, जिसे EPC बेसिस पर डेवलप करेगा। फ्लाईओवर रांची की सबसे हाईटेक और इंजीनियरिंग मार्वल्स के रूप में पेश करने के लिए इसे केबल ब्रिज के रूप में प्लान किया गया है, जिसका 337 करोड़ एस्टिमेट कॉस्ट आएगी। बताया जाता है कि इस ब्रिज को L&T द्वारा डेवलप किया जाएगा, जो कि आज के डेट में हेमंत सोरेन इसको अप्रूव कर चुकी है। ऑफिसर्स के अकॉर्डिंग 2024 एंड तक यह बनकर तैयार हो जाएगा। तैयार होने से इस रीजन में ट्रैफिक तो स्मूथ होगी, साथ ही साथ इस रीजन में टूरिज्म भी बढ़ेगा। ऐसे में बस देखते हैं कि कब तक बनकर तैयार होता है। रांची की अगली बड़ी प्रोजेक्ट है IIM रांची न्यू कैंपस। भारत का 9th IIM के रूप में एस्टेब्लिश किया गया यह इंस्टीट्यूट 2009 में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा टेम्पररी कैंपस के रूप में सुचाना भवन के पास ओपन किया गया था, जो कि इसका खेल गांव में हॉस्टल में फैसिलिटी थी और प्रतिदिन बाय बस यहां पे स्टूडेंट आते थे। बट अब ऐसा नहीं करना हुआ, क्योंकि धुरवा में नया विधानसभा के पास तकरीबन 60 एकड़ एरिया में नया कैंपस बनकर तैयार हो गया। नया कैंपस बहुत ही शानदार और हाईटेक है, जहां पर सभी तरह की वर्ल्ड क्लास मॉडर्न फैसिलिटीज अवेलेबल है। अभी जो आप वीडियोस को देख पा रहे हैं, बिल्कुल बनकर तैयार हो गया है, बट हां अभी फिनिशिंग टच देना बाकी है, जो कि 2023 एंड तक पूरी तरह से कम्प्लीटेड भी हो जाएगी। रांची की अगली बड़ी प्रोजेक्ट है जयपाल सिंह स्टेडियम प्रोजेक्ट। कचहरी रोड में विकसित किया जा रहा है स्टेडियम मिनी फुटबॉल स्टेडियम के रूप में 1928 ओलंपिक हॉकी गोल्ड मेडलिस्ट मारांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा की मेमोरीज में बनाया जा रहा है, जो कि टोटल 10 एकड़ एरिया में फैला हुआ, जहां न सिर्फ स्टेडियम बल्कि टाउन हॉल से लेकर कन्वेंशन सेंटर्स को भी बना दिए। अगर मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में कहूं, तो इसे एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के रूप में तैयार कर रहा है। स्टेडियम 2017 से ही अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो अब तक तैयार नहीं हुआ है। हालांकि कुछ ऑफिशियल अपडेट्स के अकॉर्डिंग काम काफी तेजी से हो रहा है और इसी साल एंड तक बनकर तैयार भी हो जाएगा। ऐसे में देखते हैं कि यह जयपाल सिंह स्टेडियम, जो कि 1928 गोल्ड मेडलिस्ट मारांग गोम के जयपाल सिंह की याद में बनाया जा रहा है, वो कब तक बनकर तैयार होता है। रांची की अगली बड़ी प्रोजेक्ट है लाइट हाउस प्रोजेक्ट। स्टेट अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट द्वारा तैयार हो रहा है लाइट हाउस अर्बन पुअर अफोर्डेबल हाउस कॉलोनी के रूप में तैयार कर रहा है, जो कि PM आवास योजना के अंतर्गत बनाया जा रहा है। यह लाइट हाउस बेसिकली जगन्नाथपुर एरिया में प्लान किया गया है, जो कि आज के डेट में काफी तेजी से कंस्ट्रक्शन भी हो रही है और डायरेक्ट नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसका मॉनिटरिंग भी की जा रही है। प्रोजेक्ट को 1 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा फाउंडेशन स्टोन रखा था, जो कि टोटल 7.5 एकड़ एरिया में फैला है। इस 7.5 एकड़ एरिया में से 1008 फ्लैट्स को बनाए जा रही है, जो कि 8 अलग अलग ब्लॉक्स के रूप में तैयार होगा। प्रोजेक्ट दिसंबर 2022 से पहले ही कंप्लीट होनी थी, बट फिलहाल अभी तक तो 80% का ही वर्क पूरा हुआ है। उम्मीद करते हैं कि इस साल एंड तक बनकर तैयार हो जाएगा। रांची की नेक्स्ट बड़ी प्रोजेक्ट है कांटा टोली फ्लाई ओवर प्रोजेक्ट।
रांची के कांटा टोली में ट्रैफिक को देखते हुए झारखंड सरकार ने 2016 में कांटा टोली फ्लाई ओवर बनाने की योजना तैयार की ताकि इस रीजन में ट्रैफिक की समस्याएं खत्म हो। अगर इसको डिटेल में देखते हैं तो पता चलता है कि 2018 में ही क्लियरेंस मिल गई थी और 2020 तक इसे तैयार भी किया जाना था, बट दुर्भाग्य से अभी तक सिर्फ और सिर्फ 20% का काम ही हुआ है। वैसे मैं बता दूं कि यह पूरा फ्लाईओवर 2.4 किलोमीटर लंबी है जो कि कोकर शास्त्री नगर से कांटा टोली चौक होते हुए योगदा सत्संग आश्रम तक प्लान किया गया है जो कि 240 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है। अब इसकी डेडलाइन 2024 एंड सेट कर रखी है, ऐसे में देखना होगा कि 2024 तक बनकर तैयार होती है या फिर से डिले होता है। रांची की अगली बड़ी प्रोजेक्ट है रांची रेलवे स्टेशन रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। इंडियन रेलवे द्वारा रांची रेलवे स्टेशन को विश्व स्तरीय एयरपोर्ट के तट पर विकसित करने के लिए टोटल 447 करोड़ रुपए अलॉट करी है। बताया जाता है कि इस 447 करोड़ से स्टेशन को विश्व स्तरीय बनाया जाना है, जहां पे दो टर्मिनल ब्लॉक को बनाया जाएगा नॉर्थ और साउथ में जो कि तीन तीन फ्लोर के रूप में बनाया जाएगा। इसके अलावा 72 मीटर वाइड कॉन्कोर्स होगी, अराइवल फुट ओवर ब्रिज होगा, 8 फुट ब्रिज होगा, पार्किंग ड्रॉप एंड पिकअप पॉइंट होगा, नॉर्थ और साउथ ब्लॉक को कनेक्ट करने के लिए ROB को बनाया जाएगा, प्लेटफॉर्म का मॉडर्नाइजेशन होना है, रेलवे आर्ट का ब्यूटिफिकेशन होना है, प्लेग्राउंड जैसी बहुत सारी चीजों को यहाँ पे बनाया जाना और एक विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन के रूप में तैयार होना। इंटरेस्टिंग बात यह है कि स्टेशन को धीरे धीरे करके अपग्रेडेशन का काम शुरू भी कर दिया गया है, जिसका फाउंडेशन स्टोन नरेंद्र मोदी जी द्वारा 12 जुलाई 2022 को रखा गया था और अगले 2 से 2.5 साल में इसे बनाकर पूरा किया जाना। प्रोजेक्ट EPC बेसिस पर तैयार हो रहा है जो कि तैयार होने के बाद वर्ल्ड क्लास सुविधाएं तो मिलेगी, आपको एक नया एक्सपीरियंस भी मिलेगा, आने वाले समय में ट्रैफिक को कंट्रोल और मैनेज करने में भी मदद करेगी। रांची की अगली बड़ी प्रोजेक्ट है कचहरी पिस्का एलिवेटेड रोड प्रोजेक्ट। 3.6 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड रोड के रूप में प्लान किया गया प्रोजेक्ट 4-लेन एलिवेटेड सड़क के रूप में प्लान किया गया है, जिसे 534 करोड़ की लागत से सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा बना रही है। कचहरी पिस्का मोड़ एलिवेटेड रोड बहुत ही जरूरी थी क्योंकि यह हर दिन 30 से 40 हजार व्हीकल्स ट्रेवल करते हैं और इसीलिए आए दिन यहाँ पे ट्रैफिक की समस्याएं बढ़ती रहती है, और इसी ट्रैफिक की समस्याओं को खत्म करने के लिए नरेंद्र मोदी जी द्वारा जुलाई 2022 में फाउंडेशन स्टोन रखा था, जिसे NHAI के देखरेख में हरियाणा बेस्ड कंपनी KCC कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा तैयार कर दी। प्रोजेक्ट 2024 एंड तक बनकर तैयार हो जाएगा जो कहीं ना कहीं ट्रैफिक को स्मूथ करने में मदद करेगी। तो ये रहे रांची के कुछ बड़े प्रोजेक्ट। इसके अलावा भी कुछ प्रोजेक्ट है जैसे गोला और मांझी एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट, संबलपुर रांची एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट, रांची रिंग रोड प्रोजेक्ट, रांची बस टर्मिनल मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट, रांची स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, ये सभी प्रोजेक्ट आज के डेट में अंडर कंस्ट्रक्शन है। वहीं एम्स रांची और रांची हावड़ा वंदे भारत ट्रेन को प्लान किया गया, कभी भी इसका अप्रूवल मिल सकता है। ऐसे में आप इन सभी मेगा प्रोजेक्ट के बारे में क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, आप हमारे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और हाँ, अगर आप झारखंड या फिर रांची से बिलोंग करते हैं तो आपको जरूर हमारे कमेंट सेक्शन में अपनी राय दें। तो फिलहाल आज की इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अच्छा लगा तो लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।